ने यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट ज़ापोरिज़्या में माइंस बिछा रखी है। आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा, रूस का ये कदम सेफ्टी प्रोसीजर का उल्लंघन करता है। ये माइंस प्लांट के बफर जोन में इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स के बीच में मौजूद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के 25 जुलाई के पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। खड़गे ने लिखा कि अमित शाह जी जिस दिन पीएम ने विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दल से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री ने भावात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैया अपनाने को कहा। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समन जारी करने पर सेंसर में याचिका लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ या अहमदाबाद की निचली अदालत में दाखिल किए मानहानि केस में समन पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल की तरफ से सेंसर में दाखिल अर्जी में समन कई तरीके से गलत बताया गया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 50 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 45 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 62 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69,21,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,299,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। BCCI ने मार्च तक का होम कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार टीम इंडिया सितंबर से मार्च के बीच 16 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। इसमें 5 टेस्ट, 3 वनडे और 8 T20 मैच खेले जाएंगे। भारत के होम कैलेंडर की शुरुआत सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे से होगी। यह सीरीज 22 सितंबर से शुरू होगी। टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैच खेलेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर 2 मैचों के लिए बैन लगाया गया है। इस बैन के चलते कौर एशियन गेम्स के 2 शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगी। कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ 3रे वनडे मैच में स्टंप पर बैट मारा था और एम्पायर के फैसले पर असहमति जताई थी। हरियाणा में आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। 4 जिले पंचकूला, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट है। भारतीय सरफा बाजार में आज सोना और चांदी महंगा हुआ है। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 74,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,541 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 74,298 रुपये है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 66,707 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 98 अंकों की तेजी रही, ये 19,778 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं जून तिमाही के रिजल्ट के बाद PNB का शेयर 4.17% चढ़ा है।